दोस्तों आपको अपने YouTube चैनल नीर 143 क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूपी टेट, जैसे आपको पता है आपका एग्जाम बस होने वाला है, तो दोस्तों उसमें आप लोग तुक्का कैसे मारे, तुक्का कब मारते हैं या कौन से लोग मारते हैं। तो दोस्तों कुछ साथी ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम इसका एग्जाम देंगे, ठीक है दोस्तों। कुछ साथी ऐसे भी होंगे जो कई बार दे रहे हैं एग्जाम लेकिन उनका क्लियर नहीं हो पा रहा है। बाई चांस जैसे आपको पता है आपका एग्जाम कितने क्वेश्चंस का होता है, 150 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है दोस्तों। और टाइम कितना होता है, 230 मिनट्स टाइम होता है आपका। अब 150 क्वेश्चंस में जिसको यू कैन से 50 से 55 क्वेश्चंस ही आएंगे, क्या 50 से 55 क्वेश्चंस ही आते होंगे, वो लोग इतने से तो पास नहीं होना, वो कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही साथी हमारे तुक्का मारते हैं। तो दोस्तों यही ट्रिक मैं बताने वाला हूँ कि यूपी टेट में तुक्का कैसे मारे, ठीक है दोस्तों। तो पहली बात करते हैं नेवर फॉलो। दोस्तों 6 पॉइंट्स बताऊंगा, 6 पॉइंट्स में आपको क्लियर कर दूंगा और तुक्का मारने का बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी पता चल जाएगी कि कब तुक्का लगाना है। ये तो आप लोग समझ गए हैं कि कौन से लोग तुक्का मारेंगे, कौन से साथी तुक्का मारेंगे, कौन से साथी नहीं, ठीक है दोस्तों। पहला नेवर फॉलो सिक्वेंस। तो दोस्तों मान लिया आपकी 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दिए हैं, तो कुछ साथी क्या करते हैं, जो तुक्का लगाते हैं, जो कभी गए नहीं कह रहे हैं, जाएंगे पेपर में एक्सपीरियंस लेने। तो दोस्तों कभी कभी कहते हैं ये फर्स्ट टाइम में साथी तुम्हारा, जैसे तुम काफी टाइम से तैयारी कर रहे, एक साथी जो ये फर्स्ट टाइम गया वो हो गया, तो कभी कभी उसका तुक्का भी काम कर जाता है। तो कहते हैं कुछ उसका भाग्य अच्छा था या लक अच्छा था, ये कहते हैं, लेकिन शायद वो तुक्का लगाया हो, सही बैठ गया हो, पढ़ाई उसने कम की है बट उसने तुक्का लगाया सही हो गया है। और पेपर दोस्तों निगेटिव मार्किंग है नहीं क्या, नो निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग जो है वो है नहीं, इसलिए 150 में से 150 पूरे क्वेश्चंस आपको करके आने हैं, ठीक है दोस्तों। टाइम कैसे सेटअप करना ये बहुत जरूरी होता है एग्जाम में, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर सॉल्विंग ट्रिक, तो दोस्तों ये भी जानना चाहिए जरूरी है। तो दोस्तों कुछ लोग, क्या पहला पॉइंट है नेवर फॉलो सीक्वेंस, कभी भी आपको वो पेपर सीक्वेंस में नहीं हल करना है। क्यों, क्योंकि दोस्तों जैसे कुछ साथी होंगे ए ए कर लेंगे, फिर बी बी करेंगे, कुछ सी सी, फिर मतलब सी सी कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा कभी सीक्वेंस फॉलो नहीं करना है। और दूसरी बात है नेवर फॉलो सीक्वेंस, और पहली बात है अगर दोस्तों आप स्टार्टिंग से पेपर शुरू कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, क्या स्टार्टिंग से पेपर शुरू किया तो स्टार्टिंग का पहला ही आपका टप आ गया, तो आप उसी में सोचते रहोगे सोचते रहोगे। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं, अगर आपको पहला क्वेश्चन नहीं आता है छोड़ देना है, ये सारी टेक्निक है। पहला आपको पता चल गया नेवर फॉलो सीक्वेंस, कभी सीक्वेंस में आपको टिक नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा पॉइंट अटेम्प्ट करते हैं, इस वीडियो का सबसे जरूरी पार्ट यही है, लेकिन इससे जरूरी पार्ट जो मैंने लास्ट में बताऊंगा उसको भी समझना बहुत जरूरी है, लेकिन ये फर्स्ट स्टेज समझ लो, सबसे पहला जरूरी पेपर सॉल्व करने की ट्रिक यही है। लेकिन तुक्का लगाने की ट्रिक्स तो और भी इसके अंदर मैं बताऊंगा, लेकिन अटेम्प्ट पेपर कैसे करें ये सबके लिए, चाहे तुक्का लगाना हो चाहे ना लगाना हो, ये सबके लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों पेपर को आपको 3 स्टेज में सॉल्व करना है, पहली स्टेज कौन होगी, दूसरी स्टेज कौन होगी, तीसरी स्टेज कौन होगी, इनमें तीनों में मैं आपको बताऊंगा क्लियर। तो दोस्तों पहले आपको पता है कि आपका टाइम कितना है, 2 घंटे 30 मिनट, ठीक है दोस्तों। और आपके क्वेश्चंस कितने हैं, ये आपका हो गया टाइम, और दूसरा हो गया इधर क्वेश्चंस कितने हैं, 150 क्वेश्चंस हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कैसे हम लोग 3 स्टेज में पेपर सॉल्व, तो पहली स्टेज में दोस्तों हमें क्या करना है, पहली स्टेज मतलब हमें कितना टाइम देना है, तो दोस्तों पहली स्टेज में हमें लगभग 50 मिनट, क्या 50 मिनट में लगभग कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने क्वेश्चन करने हैं, 55 से 60। कैसे, अब पहली स्टेज में क्वेश्चंस हमें कौन से करने, ये सबसे बड़ी जरूरी बात है। तो दोस्तों पहली स्टेज में हमें वो क्वेश्चंस करने हैं जो हमें 100% पता, हम एक बार देखेंगे तुरंत हमें यकीन है, 100% यकीन है कि यही ऑप्शन बी या सी राइट है, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सही लगे, वो आपको 100% निकले, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन कहते हैं लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको क्या करना है कि जो बिल्कुल राइट
देखते ही क्वेश्चन पता लग जाए ये आपका राइट आंसर है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा करना है, ठीक है। अब दूसरे स्टेज में क्या करना है, दूसरे स्टेज में वो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं जिसमें टाइम लगे। क्या मतलब टाइम लगेगा, कर तो हम लेंगे। हमें पता है जैसे मैथ्स के हो गए क्वेश्चन, क्या मैथ्स के हो गए, या फिर जैसे कुछ समझने वाले क्वेश्चंस हो गए, जैसे लंबी लंबी थ्योरी दी हो तो उसमें कैसे, उस पेपर जैसे आपको पता है 5 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, तो पर सब्जेक्ट 30 क्वेश्चंस का होगा, तो मतलब आपको उस थ्योरी वाले भी क्वेश्चंस होंगे, उनको समझ के करना, मतलब टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। और ये क्वेश्चंस ऐसे होंगे, पूरा पेपर की बात कर रहे हैं, पेपर पूरा पेपर सॉल्व करने की, ठीक है दोस्तों। तो इसमें टाइम लगेगा लेकिन कर आप लेंगे। तो दोस्तों कितना टाइम इसके लिए देना है दोस्तों, लगभग 80 मिनट्स, ये इसमें 50 मिनट्स, इसमें 80 मिनट्स, ठीक है दोस्तों। अब 80 मिनट में कितने क्वेश्चन आप कर पाएंगे, अगर दोस्तों आप 35 से क्या 35 से 40 क्वेश्चंस करते हैं, क्या 35 से 40 क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है दोस्तों, इतना कर ले बहुत है। अब दूसरी स्टेज बचती है, कितना बचा हमारा टाइम, 20 मिनट। अब 20 मिनट में दोस्तों हमें वो काम करना है जो हमें जैसे क्वेश्चंस आते नहीं है, हमारा साथी साथ में अगर है हेल्पफुल तो करिएगा, नहीं है कोई बात नहीं, हमें इतने ही क्वेश्चन। अगर दोस्तों इसमें देखिए कितना 55 और 35 कितना हुआ, 90 हुआ आपका, ये 20 में गोला करिएगा आप अच्छे से, सही से गोला करने साथ। और कुछ साथी ऐसे होते जो मतलब क्वेश्चन तो सही पहले हल कर लिए, फिर क्या गोला करते टाइम एक ही जगह पे वो बिल फिल कर देंगे, तो ऐसे भी गलत हो गोला करने में जल्दी में, क्योंकि होते ही इतनी जल्दी, तो जल्दी तो सभी वो होता है पेपर में, तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं करना है। सही टाइम पे 20 मिनट इसके लिए बहुत होते हैं गोला भरने के लिए। गोला भरना है, अगर कोई आपको क्वेश्चन पता करना है या टाइम ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, 80 मिनट्स में दोस्तों अगर 35 40 क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर इधर इधर के हम ऐड करते हैं, इधर इधर के ऐड करते हैं, तो कितना हो गया, अगर इधर इधर के ऐड कर ले फिर भी आप पास हो, तो इधर इधर के मान लिया कर लेते हैं, तो कितना गया, 50 30 80 90 क्वेश्चंस हो गए। अगर इधर इधर की करते हैं तो इसमें 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर हम लोग इधर इधर करते हैं, ये तिरछा, अगर हम लोग देखो इधर इधर कर लेते हैं, तिरछी गुणा करेंगे, फिर भी कितने एक साइड हो जाएंगे 50 95 क्वेश्चंस आपके, ठीक है दोस्तों। दूसरे साइड कितने हो जाएंगे, 60, कितने हो जाएंगे 50 और 4 95 60 95, मतलब दोनों तरीके से अगर इन दोनों दोस्तों अप्लाई प्रोसेस को अप्लाई करेंगे दोस्तों, बहुत एनालिसिस करके ये वीडियो बन रहा है दोस्तों। सेकंड पॉइंट हमने बताया जो ये स्टेज है बहुत जरूरी है, किसी किधर भी करोगे आप 95 खो जाएंगे आप, जो अगर 55 35 कर दो या 64 इधर से इधर करोगे 64 कितने आ जाएंगे, तो 100 हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इधर इधर तिरछा कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे आपको तिरछा गुणा, तो 60 और 35 95 और 55 40 95, दोनों से 95 आ रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे ही आपको पेपर सॉल्व करना, पहली स्टेज में कौन क्वेश्चन जो हमें आते हैं 100% वो क्वेश्चन करने हैं, 50 मिनट में करने हैं, कितने 55 से 60, और दूसरी स्टेज में जो हमें आते हैं पर टाइम लगेगा वो क्वेश्चन करने हैं, कितना टाइम 80 मिनट्स, क्वेश्चन कितने 35 से 40। फिर सेकंड थर्ड स्टेज में हमें करना है 20 मिनट में गोला करना है, अगर कोई क्वेश्चन ज्यादा मतलब किसी से हेल्प, पड़ोसी है अपना हेल्पफुल तो हम लोग उससे भी डिस्कस, लेकिन स्टार्टिंग टाइम में दोस्तों सबसे और जरूरी पॉइंट एक में क्या, नेवर फॉलो सीक्वेंस। और अगर आपको पहला क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको छोड़ देना है, दूसरा करना, दूसरा नहीं उसको भी छोड़ देना है। आपके पास 150 क्वेश्चंस हैं, 150 क्वेश्चंस में आपको 100 का आंकड़ा लेके चलना है और करना 150 पूरे है, लेकिन हमें मेहनत केवल 100 क्वेश्चंस पे ही करनी है। क्या हमें मेहनत केवल 100 क्वेश्चंस पे ही करनी है और आंकड़ा 150 का पूरा करना है, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की, तो दोस्तों तीसरा पॉइंट है आपका अपना इलिमिनेट ऑप्शन। तो दोस्तों ऑप्शन रिमूव, इलिमिनेट ऑप्शन मतलब हटाओ घटाओ ऑप्शन, तो रिमूव ऑफसेट वैल्यूज। बाय चांस एग्जाम्स में दे दिया, एक दिया, फिर चार दिया, फिर छह दिया, फिर एकदम दे दिया, 20 दे दिया, क्या 20 दे दिया, तो आप कुछ साथी क्या करेंगे, कहेंगे इसको यही वाला आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों अगर साइकोलॉजी कहती है कि जो सबसे अलग होंगे वो सभी पहचान जाएंगे यही है, लेकिन वो आपको फंसाने के लिए करते हैं, वो आपको कंफ्यूजन में गलत क्वेश्चन कराने के लिए करता है एग्जामिनर। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं, ये तो आपको मतलब एक ऑप्शन इन तीन में से आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है दोस्तों। फिर ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। अब जैसे हिंदी में जैसे आपका पेपर जो होगा वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश,
हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पर होगा, तो आपको जैसा कहीं पड़ेगा, उपर्युक्त सभी या नहीं, इनमें से कोई नहीं, या ऑल ऑफ अबव और नन ऑफ दे, तो इनमें से दोस्तों 99% अगर ये हर समय डी ऑप्शन होता है, और 99% यही आपका आंसर सही भी होता है, ठीक है दोस्तों, 99% यही आंसर सही भी होता है। फिफ्थ है मोस्ट पोरेबल ऑप्शन, सबसे ज्यादा, अब सबसे जरूरी पॉइंट ये भी है दोस्तों, यहां से आपको क्या, यहां जैसे तीन है ऑप्शन, यहां चार थे, एक हमने डी अगर आ गया तो हटा दिया, अब बचा हमारे पास तीन ऑप्शंस बचते हैं ये, ठीक है, तीन ऑप्शंस बच रहे हैं, तीन ऑप्शंस में कैसे, तो दोस्तों ए ए अब ए मान लिया कि नहीं है, कैसे मान लिया कि दोस्तों सबसे बताएं कि अगर आप पेपर किसी भी आंसर की देखोगे उसमें ए मतलब 100 क्वेश्चंस हैं तो 10 या 15 ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ए आएगा, और फिर क्या होता है, फिर 100 में से कितने 15 या 20 क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे जिनमें डी आएगा, सबसे ज्यादा चांस होता है आपका बी और सी में, जब बी और सी में ऑप्शन होता है तो यहाँ पे आप 50-50 केस अप्लाई कर सकते हैं, क्या 50-50 केस, अब 50-50 केस में आप बी या सी की तरफ जा सकते हैं, ठीक दोस्तों, अब ये कैसे जाएंगे, यहाँ डिसाइड कर बी करें या सी, तो दोस्तों कुछ तो आपको आइडिया, अगर आपने एक बार भी पेपर पढ़ा है, सही से पढ़ाई की है, आपने 75% अगर अच्छी पढ़ाई की है फिर भी आपको समझ आएगा बी और सी में कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर फिफ्थ, पॉइंट नंबर फिफ्थ है दोस्तों डायरेक्ट वैल्यूज, तो डायरेक्ट वैल्यू जैसे आपको रूट का मान पता है, रूट दो का मान पता है, जैसे मैथ कैलकुलेशन में ज्यादा डायरेक्ट वैल्यू होती है, या पाई का मान पता है, या संपूरक और या छह किसी का फार्मूला पता है, तो आप दोस्तों वह डायरेक्ट वैल्यू धर के आप आंसर लाएंगे, अगर आप प्रैक्टिस कहते कहते हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस मैक्स एम एन परफेक्ट, तो दोस्तों आपने प्रैक्टिस अगर की है तो दोस्तों आप डायरेक्ट वैल्यू फिल करके तुरंत उसका आंसर अप्रोक्सीमेटली लाएंगे, वो 100% राइट होगा, ठीक है, तो 100% राइट होगा। अब बात कर लेते हैं स्मार्ट स्टडी की, स्मार्ट स्टडी क्या है, बाय चांस दोस्तों कुछ साथी होते हैं जैसे वो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट यू कैन से थ्योरी, कॉन्सेप्ट यू कैन से थ्योरी, ठीक है, तो अब कॉन्सेप्ट जो पढ़ते हैं वो हिंदी जैसे कहानियों की तरह पढ़ लेते हैं, उनको तो याद तो रहता है, लेकिन अगर वो उन्होंने क्या एमसीक्यू, आपका तो पेपर जो होता है वो ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में होता है, तो आपको क्या करना, जिसने सबसे ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस किया होगा, ज्यादातर एग्जाम में 99% वही सबसे ज्यादा स्कोर करते हैं, वही सबसे ज्यादा दे, क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि आपने जो कहते हो आंखों में बसा है, एक बार आपने क्वेश्चन सेटअप देखा है या ऑप्शन में किसी आंसर को देखा है तो आप तुरंत देखते ही पहचान जाएंगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आपको टाइम लगेगा समझ में, थ्योरी आपने पढ़ी, अगर एमसीक्यू, तो दोस्तों अगर एमसीक्यू आपने जितना भी प्रैक्टिस किया होगा उसका फायदा यही पेपर में मिलता है, इसीलिए दोस्तों जो कोचिंग सेंटर वाले 12-12 घंटे के मैराथन कराते हैं उसमें सभी ऑप्शन ही ऑब्जेक्टिव वाले ही होते हैं, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों प्रैक्टिस मैक्स है मैन परफेक्ट, जितना दोस्तों आपने प्रैक्टिस किया होगा उतनी जल्दी आप आंसर चूज करने में सक्सेस होंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपने यूपी टेट का लास्ट ईयर कट ऑफ नहीं देखा है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो।